उज्जैन में चोरों ने शनिवार रात को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय पर धावा बोल दिया। बदमाश कार्यालय के पीछे हो रहे निर्माण कार्य का फायदा उठाकर अंदर घुस गए। इसके बाद दरवाजा तोड़कर कार्यालय में घुसे और सारा सामान बिखेर दिया। बदमाशों ने 8 अलमारियों के ताले तोड़े। बदमाशों ने ड्रग विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूने भी बिखेर दिए। पुलिस को आशंका है कि नशेड़ियों ने वारदात को अंजाम दिया है। विभाग के अधिकारी नमूनों का मिलान करने में जुटे हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यह चोरी की वारदात रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन के लिए की गई है। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने ऑफिस में इंजेक्शन नहीं होने की बात कही है। हम लोग, हमारे जो लिपिक हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सुबह गए थे आज ऑफिस, तो उन्हें पता चला कि बाहर से हमारा ऑफिस ताला खोला तो अंदर से बंद है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सब लोगों ने जब बाहर से आके देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 4 गेट हैं, उनके लॉक तोड़ दिए गए थे और गेट भी तोड़े हैं, उनकी जो कुंडी रहती है वो तोड़ दी गई थी। इसके अलावा पूरा सामान ऑफिस में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 7-8 अलमारियां तोड़ी हैं, इसके लॉक तोड़ दिए और पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। काफ़ी फाइलों को नुकसान पहुंचाया है, हमारे नमूने रखे रहते हैं न्यायालय नमूने, उनको भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लेके कुछ नहीं गए वो। अब ये कह नहीं सकते अपन कि दवाई ढूंढने आए, इंजेक्शन ढूंढने आए। अब ये तो जाँच का विषय, हमने FIR करवा दी है संबंधित थाने में। उज्जैन से EMS TV के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।